अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सदाम हुसैन। आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस अदर सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे देखी होंगी। अगर आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं और आपकी वीडियो गिरो नहीं होती, वायरल नहीं होती, तो आप ये तीन गलतियां करते हैं। ये तीन ऐसी गलतियां हैं जिसको करने के बाद आपकी वीडियो गिरो नहीं होती, 100 या 200 व्यूज़ आते हैं। अगर ऐसा मसला आपके साथ होता है तो ये तीन गलतियाँ करना बंद करें। और लास्ट में तीन ऐसे काम बताऊंगा जिसको करने के बाद 2 या 3 हज़ार आराम से आपको व्यूज़ मिलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो नंबर वन पहली गलती, लेट वीडियोस पोस्ट करना। अगर आप एक वीडियो बना के उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं तो आप वीडियो बनाना ही छोड़ देते हैं, मतलब 2-3 गैप करते हैं, तो इस तरह आपकी वीडियोज़, आपका जो टिकटॉक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है। इसलिए लगातार हर दिन 3 वीडियोज़ बनाएं। यहाँ पर ना मैं आपको टाइम भी बता देता हूँ। एक वीडियो आपको 9 बजे पोस्ट करनी है, सुबह 9 बजे, या 10 बजे आप उठ जाते हैं तो 10 बजे। दूसरी दोपहर को 2 बजे, ठीक है, दोपहर को 2 बजे या 3 बजे। और तीसरी रात को 9 बजे, 10 बजे या 8 बजे, जब भी आपको बेहतर लगे। ये थी आपकी पहली गलती। अगर ये आप काम नहीं करते तो ये एक गलती हमेशा याद रखें। दूसरी गलती, सेम वीडियोज़ पोस्ट करना, बार बार वही वीडियो पोस्ट करना। सपोज़ आपकी एक वीडियो मिलियन तक गई तो आप उस वीडियो को बार बार पोस्ट करते हैं, आपको ये लगता है कि ये वीडियो भी ग्रो होगी। खैर वो वीडियो ग्रो भी हो जाती है, 5 लाख 2 लाख या 3 लाख व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, मतलब आपका अकाउंट शेडो बैंड हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। आप एनालिटिक में जाकर आप अपने अकाउंट की हालत देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी एक वीडियो ग्रो हो जाती है तो उस वीडियो को दोबारा पोस्ट ना करें। उस जैसी दोबारा से न्यू कैमरा से, मतलब न्यू मोबाइल से, न्यू शर्ट पहनकर वीडियो बनाएं, वैसी ही बेशक बनाएं, लेकिन न्यू वीडियो हो। वो वीडियो उठाकर आपको अपने अकाउंट में पोस्ट नहीं करनी। इस तरह आपका अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है। फ्रीज़ होने के बाद 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, आपकी वीडियो ग्रो नहीं होती। तो ये दूसरी गलती है, ये आपको कभी भी नहीं करनी। तीसरी गलती ये है कि अपनी वीडियोज़ को डिलीट करना। अगर आप अपने टिकटॉक अकाउंट की वीडियोज़ डिलीट करते हैं तो टिकटॉक ये समझता है कि ये अपनी ही वीडियोस डिलीट कर रहा है, तो मतलब इसके कंटेंट में दम नहीं है, तो आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है और शेडो बैन भी कर देता है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आपको 200-300 व्यूज़ आते हैं। तो इसलिए ये वाली गलती कभी मत करना। अब ये तीन ऐसे काम है जिसको करने के बाद आप अच्छे खासे व्यूज़ हासिल कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल आपका अकाउंट फ्रीज है या शेडो बैन है, इसलिए तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका अकाउंट बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे। सबसे पहला काम, एक ऐसी वीडियो बनानी है जिसको लोग पूरा देखें। अब लोग पूरा कैसे देखेंगे? लोग ज़्यादातर न्यूज़ की वीडियोस देखते हैं। आपको ये देखना है कि ट्रेंडिंग न्यूज़ कौन सी चल रही है, उसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे, आपकी वीडियो 100% ग्रो होगी, अच्छे खासे व्यूज़ मिलेंगे और आपका अकाउंट सही हो जाएगा। या किसी सेलिब्रिटी के ऊपर बात करें, या सलमान खान शाहरुख खान की तस्वीर लगाकर उस पर वीडियो बनाएं, तो लोग उसकी वजह से आपकी वीडियो को देखेंगे और आपकी वीडियो ग्रो हो जाएगी। तो भाई मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब देखो लाइट भी नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो कितना पसीना आ रहा है। नीचे मेरे रूम में ना एसी लगी हुई है, यहाँ पर एसी नहीं है, तो इस वजह से कितने पसीने के साथ मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अब इसको कहते हैं मेहनत। जब आप मेहनत करते हैं ना तो आपको फल मिलता है, आज नहीं तो कल आने वाले वक्त में आपको फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। दूसरा काम, डेली 3 वीडियोस पोस्ट करो, कुछ भी हो जाए लेकिन 3 वीडियोस आपको पोस्ट करनी है। पहले भी मैंने बताया, ठीक है, अभी मैं आपको ना टाइम भी बता रहा हूँ दोबारा से। एक वीडियो आपको सुबह 9 बजे या 10 बजे पोस्ट करनी है, दूसरी दोपहर को 2 बजे या 3 बजे पोस्ट करनी है, तीसरी रात को 9 बजे या 10 बजे पोस्ट करनी है, या 8 बजे भी पोस्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप कब फ्री होते हो, लेकिन 3 वीडियोस आपको लाजमी बनानी है। भाई 3 वीडियोस ऐसे नहीं बनानी कि सेल्फी वीडियो बना दी, सोए हुए हो वीडियो बना दी, लाइटिंग अच्छी नहीं है वीडियो बना दी, या तस्वीर के ऊपर वीडियो बना दी, या दोस्त के साथ बैठे हो तो वीडियो बना दी। नहीं भाई, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर मैं आपके सामने कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो मेहनत करोगे तो आपको फल मिलेगा, वरना ऐसे आपकी वीडियो ग्रो नहीं होगी। तीसरा काम बहुत ही ज़रूरी है, ना उम्मीद होना, डीमोटिवेट होना। जब हमारी वीडियोस ग्रो नहीं होती तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं, हार मान जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है।
जब मैंने टिकटॉक पे काम स्टार्ट किया था तो 300 वीडियोस मैंने बनाई थी, 300 वीडियो में 50-50 व्यूज़ आ रहे थे, फिर मेरी 1000 वीडियो बन गई थी, फिर भी मेरी वीडियो ग्रो नहीं हुई थी। तो मैं जानता हूँ कि किस तरह की फीलिंग्स आती है, हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, लेकिन आपको सब्र करना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर एक वीडियो 1 मिलियन पर, 2 मिलियन पर, 5 मिलियन तक भी जाती है। आपको सब्र करना है, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है। सब्र करो और अपने कंटेंट को इम्प्रूव करो। हाँ तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और अपने इस गरीब भाई को दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।